आप सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको एक ग्लास में कैसे कलर करते हैं, एक स्टिल लाइफ कैसे तैयार करते हैं, उसमें हम कलर वाटर कलर कैसे भरते हैं ये बताया था। आज हम उसी का सेकेंड स्टेप देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसमें कलर कर सकते हैं। देखिए, उस दिन यहाँ तक बनाया था, आज हम आगे शुरू करते हैं। इस टमाटर में आप जहाँ लाइट और डार्क का इफेक्ट दिखाना है, जहाँ डार्क दिखाना है वहाँ कलर को थोड़ा गहरा करेंगे, और जहाँ लाइट दिखाना है वहाँ पर लाइट कलर रखेंगे। या शेडो दे सकते हैं इस तरीके से। ये ग्लास का पोर्शन है, उसका शेडो है। आप जो बेस में कलर किया गया है उसी कलर को डार्क कलर करेंगे, यानी जिस पे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उस धरातल का जो कलर है उसी कलर को डार्क करना है। डार्क कलर करने से ऑब्जेक्ट में डेप्थ आएगी। इधर का पोर्शन डार्क रहेगा क्योंकि लाइट के ऑपोजिट में है।
इस तरीके से डार्क कलर लेके आप उसमें डेप्थ बढ़ा सकते हैं, जहाँ छाया का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ डार्क कलर कर सकते हैं, और जहाँ लाइट है, जहाँ रोशनी पड़ती है वहाँ पर स्पेस को लाइट रखना है। इस तरह से आप इसमें और डेप्थ बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जैसा कि अभी ये टमाटर है, इसमें और रेडनेस बढ़ा सकते हैं, और जो ग्रीन पोर्शन ऊपर का जो है लीव का, पत्ती का, उसको उसमें भी डेप्थ लाई जा सकती है। इस तरीके से मैंने जो अभी आपको ये बताया है अभ्यास प्रथम और इस अभ्यास द्वितीय में, एक सिंपल सा स्टिल लाइफ कैसे बनाया जा सकता है, और आप इसको बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है। आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी और आपको इस तरीके से अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।